हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्टीवन फर्नांडिस और ये है मेरे दोस्त मोहम्मद और मेरे पीछे है ऑडी, दी ऑल न्यू ऑडी A3 मॉडल 2022। अभी हम लोग इसे शोरूम से लेके आए, जस्ट लेके आए मोहम्मद और मैं जाके शोरूम से इसे उठाया। देखते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ फीचर है। ये एक्चुअली ऑडी का एंट्री लेवल कार है। ये जो कार है, ये कार जो है ऑडी की एंट्री लेवल कार है, रिप्लेस करती है ऑडी A1 और Q2 को। तो देखते हैं इस एंट्री लेवल ऑडी में क्या फीचर्स मिलता है। ये है रियर सीट्स का लुक, लुक ऑफ रियर सीट्स। 3 हेडरेस्ट्स आर अवेलेबल। फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, लुक ऑफ फ्रंट डैशबोर्ड। रियर सीट्स में जाके देखते हैं क्या कुछ फीचर है और कितना जगह वगैरह है, देख लेते हैं जाके अंदर। ओके, अभी हम यहाँ पे आके बैठ गए। ये जो सीट है, कैमरा ले लो मत में थोड़ा। ये सीट मैंने मेरा ड्राइविंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है। काफ़ी लेग रूम है, अंडर थाई सपोर्ट गुड इनफ है। और यहाँ पे भी दरवाजे में बस एक 1 लीटर बॉटल होल्डर और स्पीकर वगैरह है जो नॉर्मल है। और अभी इस सीट को, फ्रंट पैसेंजर सीट को बिल्कुल कंप्लीट पीछे की तरफ लिया हुआ है, फिर भी मोहम्मद आराम से बैठा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी लेगरूम वगैरह है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी है। अभी हियर प्रॉब्लम इज हियर नाउ फॉर द थर्ड पैसेंजर। अगर इसमें यहाँ पे बीच में कोई बैठता है, उसे पैर यहाँ वहाँ करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम्प है काफ़ी ऊंचा है। हम्प ये देखिए, इतना डीप तक मेरा हाथ जाता है, ये काफ़ी ऊंचा हम्प है। फिर भी ये 3 पैसेंजर लोगों के लिए सीट ओके है। अगर मेरे और मोहम्मद जैसा बॉडी शेप का, यानी पतला दुबला सा आदमी है, तो 3 बंदे आराम से बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी के फीचर्स के बात करेंगे तो यहाँ पे केबिन लाइट है, उसके बाद एसी वेंट्स दिए हुए यहाँ पे एसी वेंट्स। बाकी 3 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वगैरह अवेलेबल है। अब देखते हैं आगे ड्राइवर सीट में बैठ के देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। चलो मोहम्मद भाई, देखते हैं आगे बैठ के। ये अभी हम लोग आके बैठ के फ्रंट सीट में, ये है ड्राइवर सीट और यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर सीट में मोहम्मद बैठे हुए। अभी फ्रंट फीचर्स का बात करेंगे तो यहाँ पे ऑटो लाइट्स और डोर पे इसका लॉक अनलॉक का स्विचेस दिया हुआ है। बाकी के मिरर के और साइड मिरर और विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे है, और कुछ स्पेस वगैरह है पॉकेट्स में। बाकी इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है, क्रूज़ कंट्रोल्स और मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील। यहाँ पे टच स्क्रीन और एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे है। और इसका अभी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जो गियर का पार्ट, ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर लीवर है। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, जैसे हम लोग जैसा इसको गियर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाएगा। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया रिवर्स, और रिवर्स कैमरा का क्लियरिटी देखो, काफ़ी अच्छा क्लियरिटी है कैमरा का। और ये हो गया न्यूट्रल, और ये पार्किंग है। और स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है 2 USB-C पोर्ट के साथ।
बाकी ये मल्टी फंक्शन टच स्क्रीन है, एप्पल और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी एसी का कंट्रोल्स वगैरह दिया हुआ है। और ये हो गया इसका फ्रंट लुक। यहाँ पे इसका एसी वेंट्स का कुछ लुक्स ऐसा है, काफी कूल लुक है। यहाँ पे ऑडी का एम्बलम और ये ग्लव बॉक्स, काफी डीप ग्लव बॉक्स है और इसका साइज डिसेंट है। और यहाँ पे दो कप होल्डर्स और ये छोटा सा स्टोरेज आर्मरेस्ट के साथ। आर्मरेस्ट ओपन है, छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो है इसका लाइट्स कंट्रोल्स के स्विचेस, ये इस ऑडी A3 का की है। सारे ऑडी का की सिमिलर ही है, ये भी सारे ऑडी के की जैसी है। बाकी ऑडीज है उनका भी की इसी तरह का होता है। दिस की ऑल्सो सेम सिमिलर टू अदर ऑडी कार्स। गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट एकदम छकाछक चमक रहा है, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने इसे शोरूम से निकाला। रियर पे A3 का बैच, यहाँ पे ऑडी का लोगो और ये 35 TFSI का बैच। ये इसका हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स का लुक कुछ ऐसा है। ये है इसका बूट, काफ़ी डीप है। ये सीट्स भी 40-60 स्प्लिटेबल सीट्स है। ऑडी की ये एंट्री लेवल कार है और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ अभी एक इसका एक टेस्ट राइड भी ले लेते हैं, क्योंकि शोरूम से जब ही निकाला था मैंने इसे ड्राइव नहीं किया था, मोहम्मद ने इसे ड्राइव किया था। तो अभी नाउ इट्स माई टर्न। इसका पार्किंग हो गया। इंजन का रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा है, इंजन रिस्पांस एक्सलेटर दबाते ही पिकअप ले लेती है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और काफ़ी आइसोलेटेड है गाड़ी, क्योंकि बाहर का जो नॉइज है उतना महसूस नहीं हो रहा है, अंदर ना फील नहीं कर पाते नॉइज को। क्या बोलता, रनवे छुपाया हुआ है आज इसका रनवे कुछ बड़ा हो गया क्यों? देखो किधर, कहाँ पे
बाल माल सही है, बाल मेरा हवा में उड़ रहा था इसलिए मैंने आज टोपी पहन लिया। ये टोपी के नीचे इसका क्या सीक्रेट है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये तुर्किश में था, ये तुर्किश जाके अच्छा वीक लगा के आया। वीक वीक नहीं लगा, ये क्या ये वीक है, ये वीक नजर आ रहा है। 7000 दिरहम खर्चा करके आया, ये बाल लगा के आया, बोलो वीक नहीं बोलो, सही है ना? सही है। आज यहाँ पे यार थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा गया है, सुबह से सैंडस्टॉर्म चल रहा है। अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस, टेक केयर।